अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल? आई होप तुसी ठीक ठाक आ। मैं भी ठीक हाँ। चलो जी शुरू कर दे वीडियो। मैं असी एक अपने प्यारे आंटी दे घर गए, उन्हें बहुत मजे दी फिशेज आ, मैं क्या वो भी लगा लेती हूँ वीडियो में। और फिर घर आके अपनी टीवी में मैं बात करने की कोशिश की थी, बहुत मोटी। आप देखो सुनो उसकी रोले, सानू बहुत इस तरह तंग कर दिया रात के टाइम ना। तो फिर नहला के अगले दिन मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ ये कितनी बर्फ, कितनी ठंड थी बाहर। और फिर मैंने शुरू किया कुकिंग। मैंने पेरी पेरी चिकन बनाना सी, सो उन्होंने मैरिनेट होने काफ़ी टाइम लगता, सो मैं मैरिनेट इधर बना रही हूँ। बहुत ही आसान आ, नैंडोज नालो पेपेज बहुत ही बेहतर। आपने तुसी अपने घर बनाओ, तुसी बेशक मैरिनेट बनाओ एंड या तुसी सॉस तरह यूज कर सकते हैं, या तुसी चिकन मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत आसान आ, तुसी बस सारे इंग्रेडिएंट्स एक ब्लेंडर च पाने हैं। तुसी इत्थे देख सकते सारे, नीचे मैं कमेंट भी लिख देती हूँ। सो रेड पेपर, येलो पेपर, प्याज, गार्लिक, नमक, पैप्रिका, साबुत लाल चेरीज, काली मिर्च। ये देखो ये बहुत ही आसान आसान इंग्रीडियंट जो घर में भी पड़ी होती हैं। ये देखो ओरिगानो भी, इसमें कोई एफर्ट नहीं। एंड तकरीबन हर घरों में इस तरह की चीजें होती हैं घर में ना। थाइम भी पा सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, ये पाओ ना पाओ इट्स रियली अप टू यू। लेमन जूस, तो इसे सारा कुछ ब्लेंड करके फिर बस चिकन नू कोट कर देना है 4 घंटे तक या ओवरनाइट बेशक छोड़ दो, एंड बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखो दोस्तों मैं भुल गई रेड चिली साबुत, जी ड्राई रेड चिली पाना मैं भुल गई। मैं सिर्फ 2 पाई हैं ताकि मेरा बेटा भी खा सके, पर वैसे अगर मैं आप मेरे लिए, मेरे हस्बैंड लिए बनाने हो तो मैं एक्स्ट्रा पाऊँगी स्पाइसिस ना। तो देखो ये पूरा मैरिनेट मैंने इधर चिकन के ऊपर पाता, वो जार को हजे वॉश नहीं किया, अगली रेसिपी ये काम आएगा। एंड ये बस अच्छी तरह कवर करके फिर मैं फ्रिज में छोड़ देता। फिर हमें तो कुछ चाहिए था लंच में, सो मैंने पास्ता बॉयल की। आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे पता है मैं मिक्स कर रही हूँ उर्दू पंजाबी एंड इंग्लिश, सॉरी। अच्छा प्याज फ्राई करो और गार्लिक, एंड आपने देखा होगा ये ऑरेंज सॉस, ये जो बाकी पेरी सॉस जार में था ना वो धो के इसमें डाल दिया। एंड टमाटो सॉस का जार, काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, बस यही है। अरे सो पार्सली बेस में जाती है, बस यही चीज़ें हैं। एंड ऐसे बहुत ही सिंपल लाइट सा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, नॉट टू स्पाइसी। एंड ये देखो दोस्तों मैंने 2 तरह की पास्ता शेप्स मिक्स किए हैं बिकॉज ये मेरे पास पड़ा था, बट टेस्ट तो वैसे है सो डिलिशियस। एंड तुसी बेशक बना के लंच दे ले जाओ काम ले, या बच्चे नू दे दो लंच बॉक्स विच। आ देखो मैं मोत्सरेला चीज़ पाई है, तुसी पैमरजान चेडर चीज़ जो थोड़े को है वो पा लो, इट्स सो टेस्टी डिलिशियस क्विक, बहुत ही क्विक। तकरीबन पास्ता बनने तो बाद 10 मिनट बन गई ये डिश ना। ये देखो बस यही था, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल। ये बस ऐसे सर्व करके डिशेस में एंड थोड़ा सा चीज़ ऊपर पा के, फिर पार्सली पा के, फिर मैं तो मेरे बेटे ने खाई। आ हाँ हाँ मज़ा आ गया, देखो दोस्तों पाफा निकल गया। ये देखो कितनी झटपटी टेस्टी डिश कितनी जल्दी बन गई है। एंड इतने ठंडे मौसम में गर्म गर्म चीज़ खाने का बहुत दिल करता है, इतनी ठंड है बाहर, इतना कोल्ड वेदर, फ्रॉस्ट, स्नो कभी कभी पड़ती है इधर, माइनस टेम्परेचर चला जाता है। एंड इट्स सो नाइस टू ईट समथिंग लाइक दिस गर्म, जो आपको फिल भी करे एंड सो टेस्टी एंड सो ईजी।
ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਿਕਨ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਵਨ 'ਚ ਬੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਨਾਈਸ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਆ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੈਰੀਨੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸੌਸ। ਇਤਨੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਪ ਇੱਧਰ ਸੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਸੋ ਟੇਸਟੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ। Bye guys!